आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और अर्ली टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है डडी कनाल में, यानी डडी कनाल जो लाइफलाइन की हैसियत रखता है इरिगेशन के लिए यानी हॉर्टिकल्चर के लिए इस इलाके में। न सिर्फ डडी कनाल दरगुंड को बल्कि हेटीगामा, सिरहामा, शालगाम, शीतीपुरा एक बड़े इलाके को सैराब करती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे आज बारिश का महीना है यानी हॉर्टिकल्चर का सीजन उरूज पे है। ऐसे में जो लोग हैं, जो मालिकानी बागात है, वो आज तशवीश में नजर आ रहे हैं। मेरा कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश करेगा, ये डडी कनाल है बिल्कुल पानी के बगैर। हालांकि इस डडी कनाल के बारे में अगर आप देखेंगे, इस डडी कनाल को जो है जैनुल आबदीन के वक्त में बनाया गया, यानी ये डडी कनाल अपने आप में एक मिसाल है। मगर सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि जो आज इस इलाके के जो मालिकानी बागात है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। अभी तक इरिगेशन डिवीजन अनंतनाग फेल हो चुका है यहाँ पे वाटर को रेस्टोर करने में, यानी यहाँ पे वाटर को रेस्टोर करना था, उस वाटर से, उस पानी से जो मालिकानी बागात है वो सुप्रे आयल में इस्तेमाल करते वो पानी। बहरहाल कुछ जो मालिकानी बागात है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, डडी कनाल पे हम मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। तो क्या साहब? मेरा नाम रियाज अहमद परे। रियाज साहब क्या मसला तुम कम से दिव मसल जनाब अस डड कोल ये आज ब्रो 15 दह आब आनमुत मगर वनकन वोत प्रारण डी सी सोबस ते अपील एक्जन सोबस सारे करे अपील कि तुम करू सा आब ये फराहम मगर इम गई बिल्कुल नाकाम। अच्छा अस लाज लोड कैरियर लग छान यमन सड़क नजदीक बाग तम हेकन अनि मगर यम अंदरूनी बाग से लच्छ बोद एकड़ जमीन ये तल मगर बिल्कुल वनकें सारी मालिक ये डेड कल अच्छे आब हज 15 दह ब्रो आब थोमुत मगर वनकें सारी बाग वल परेशान सारी से दपान करो क्या वनकें बाग से आमित पान लोगमुत कुलन नेरन मगर डीजल स्प्रे वो सारे करन पत्त बड़ बार दवा कर हार्टिकल्चर कर डी सी सब कर बाकी इरिगेशन वाल मगर बिल्कुल तम बेबुनिया आप चाहते क्या असान अच्छे डड कल अगर पगह दौस मे आब यह अम सग वल ग फ्री हू इन ग रिलैक्स हू दम बागन दवा डीजल स्प्रे कर। शुक्रिया शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कुछ मालिकानी बागात, यहाँ पे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो क्या साहब? वन अब्दुलरहमान साहब तुम बोड बार जमींदार वन आज क्या आब यदि कर बोड बार जमींदार मे पे 100 रोपये दिन गाड़ी वाल आब अन दलील क्या पे दलील पे आब ये दूर बाग नौ शहर तुम्हें गवर्नमेंट गई फेल आब बिल्कुल गई क्या आज यू रूद बद वंद रूद यू गरम वल सुबह आब आ गवर्नर साहब तो डी सी साहब तक यह कत तिमन तानत अतो ये हेल्प ये गोस आब फिर बाकी क्या तानत। चलिए चलिए, ये थे मालिकानी बागात हमसे बात कर रहे थे। दरअसल यहाँ पे जो सोशल एक्टिविस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट सोफी मुश्ताक साहब भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं। हमारी खुशकिस्मती की वो यहाँ पे चल रहे थे। दरअसल उनका भी एक बड़ा रोल है इस इलाके में, सोशल एक्टिविस्ट है, बात करनी चाहिए। सो मुश्ताक साहब क्या लगता है, गवर्नर राज जारी है मगर डिपार्टमेंट टस से मस नहीं हो रहे इस वक्त? एक बड़ी आबादी जो है यानी सुप्रे आयल लोगों को करना है, लग रहा है कि सरकार नाकाम नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मेरा ये मानना है कि सरकार को जो मशीनरी है रिगार्डिंग जो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनको धैर्य होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सेशन है, क्योंकि ये हमारी बोनी है जो हमारे बागात है। हम शुरुआत आज से ही करते हैं और आज से ही हमारा बिल्कुल यही शुरुआत होती है एक किसान की, एक फार्मर की, कि वो अपने बागात में ऑयल स्प्रे करे और आज से ही शुरू होता है हमारा पूरा। सोफी साहब ये बताएं, आप मुर्दी इल्जाम किसको ठहराएंगे? अभी तक भी रेस्टोर नहीं किया गया डडी कनाल को, लोग सराहा एहतजाज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो एक कंसर्न रखें कि जो जो हमारी दिन मतलब रोजमर्रा की जरूरियात है उन पे वो पूरा मतलब फोकस करे। यानी कि अगर यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उनको जरूरत है इस वक्त, उनको मतलब ये सबसे पहले उनकी नोटिस में होने, खासकर मैं एचडीओ जो यहाँ पे कंसर्न एचडीओ है उनसे मैं मतलब गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ये बात मतलब गवर्नमेंट के नोटिस में लाए कि आज स्प्रे करने का मौका है और आज यहाँ पे पानी होना चाहिए, और कंसर्न डिपार्टमेंट जो इरिगेशन है उनको भी मतलब मुतहरिक होना चाहिए और उनको भी ये पता होना चाहिए कि आज शुरुआत होने वाली है और आज ही हमारे पास पानी ही नहीं है। जी जी, तो शुक्रिया शुक्रिया। आप चाहते क्या है आप गवर्नर? बस मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो पूरी तौर
ये जो मतलब रिस्टोर करे डडी कनाल को, और हमारी पानी की मतलब जो अशद किल्लत है इस वक्त वो भरपूर होनी चाहिए, यानी कि हमारी जरूरियात जिंदगी है ये, इसके लिए इसको रिस्टोर किया जाए। चलिए चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मालिकानी बागात जो है वो बिल्कुल तश्वीश में नजर आ रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन से एक बार फिर गुजारिश करना चाहूंगा, जरा वो आपको एक शॉट दिखाए डडी कनाल का, आप देखेंगे किस तरह यहाँ पे पानी मौजूद नहीं है इस कनाल में। हालांकि डडी कनाल का भी अपना एक बड़ा रोल है, हालांकि इस डडी कनाल से बहुत सारे हेक्टेयर उसको यानी हजारों की हेक्टेयर उसमें जमीन को सैराब किया जाता है। जब हॉर्टिकल्चर का सीजन उरूज पे है, ऐसे में इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अभी तक, अगर ची विंटर ड्राई निकला, अभी तक जो तरक्याती काम करने थे इस पे, यानी रेस्टोर करने थे, प्रोटेक्शन बांड्स देने थे या ड्रेनेज बनाने थे, अभी तक वो क्यों नहीं बने। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, अगर चाह रहा है अगर हुकाम ऊपर बैठे हैं, तो हम जो यहाँ पे मुलाजिम है इरिगेशन डिवीजन अनंतनाग के, अगर वो बड़े बड़े हैंडसम सैलरीज हासिल करते हैं गवर्नमेंट से, उनका काम क्या है? हम चाहेंगे, अर्ली टाइम्स की टीम चाहता है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्यों अभी तक भी इरिगेशन डिपार्टमेंट नाकाम हुआ इसको रेस्टोर करने में। ये यहाँ पे लोग देख सकते हैं, ये जीशोर यहाँ पे एक शख्स हमारे साथ बात करने के लिए, यानी मालिकान बागात है, इनसे बात करें तो क्या साहब अब्दुलरहमान साहब बनो क्या मस्त نہر سور زمین سوری باغی تھی اچھا ویسا پیڑ لینڈ کہین یہ علاقہ دہ تر گام ڈڈی کنال پہ سنس لگ بھگ نومبر مزہ کلیاب مرمت کریں صفائی کریں تو اس گھس آپ آج گھس کم سے کم دہ مارچ پہ گھس آپ آب اویلیبل تک کس کر دوا پوشی امیڈیٹ تامت دوا پوشی خطرہ آپ کی کرو ریسٹور کم از کم ہفتہ خطرہ ٹور دن پانچ دن خطرہ پہ اگر بیم کم آپ پہ نیر مز غیب یہ سا اٹھ دہ دہ بیا پوشی وات اوت مگر گوڈنچ پوشی ضروری ریسٹور گھن۔ چلیے شکریہ، یہ تھے ہمارے ساتھ، حالانکہ لائٹ کا بھی کنسپٹ ہے یہاں پہ، ارلی ٹائمز کی کوشش یہی ہے کہ جو ان کی بات ہے وہ لیفٹنٹ گورنر تک پہنچ جائے، جو ضلع کے ترقیاتی کمشنر ہیں ڈاکٹر پی او سنگلا، ان کو چاہیے فوراً جواب دیا بنایا جائے افسروں کو، اور جلد از جلد کل کے ڈیٹ میں یہاں پہ دڑی کنال میں پانی کو ریسٹور کیا جائے۔ ارلی ٹائمز کے لیے، ارلی ٹائمز جموں کے لیے، میں سری گفارہ اننت ناگ سے عباس مجید۔